लोकेश सेठिया सर के साथ जुड़ते हैं और बैंक निफ्टी पर उनकी जो कॉल थी आज बहुत बढ़िया काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी की बात की जाए 222 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है सर, बहुत अच्छे इसमें प्राइस दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी में। वेरी गुड मॉर्निंग लोकेश सर। गुड मॉर्निंग गुप्ता, आपका नाम शिवानी जी। एंड बैंक निफ्टी जैसे आप देखोगे, हमने 7 दिन पहले बोला था 2000 पॉइंट का मूवमेंट हमें दिख रहा है जी, तो वो 2000 पॉइंट आ गया है। 36100 में हमने ये बताया था कि ऑलमोस्ट 2000 का पॉइंट हमें 10 से 15 दिन में आते हुए दिख रहा है। तो आज 38000 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है जी, तो वो आ चुके हैं। हम अपना टारगेट रिवाइज कर रहे हैं और ये 42000 का लेवल हम अभी आपको दे रहे हैं। एंड ये आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा बट दिवाली तक हमारा ये हमारा लेवल होगा और हमें लगता है अक्टूबर के आखिरी तक ये लेवल आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ से 4000 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में और भी आते हुए दिख रहे हैं। एंड आपको अगर याद हो तो हमें 10-15 दिन पहले मैंने दिवाली का एक निफ्टी का टारगेट दिया था 18000 का जी, जब ये 16900 चल रहा था। तो ऑलरेडी अब 300 पॉइंट ही रह चुके हैं तो हम मुझे लगता है दिवाली के बहुत पहले ये 18000 का लेवल भी आ जाएगा। और लास्ट हम मंडे जो बात कर रहे थे तब हमने बोला था 450 से ऊपर आकर बैंक निफ्टी निकलता है तो 200 पॉइंट आपको एक ही दिन में आते हुए दिखेंगे निफ्टी में, तो वो 200 पॉइंट आप देखोगे कल ही आ गया था। ठीक है तो लोकेश जी, आप जो 300 तो क्या 200 पॉइंट का कह सकते हैं कि आज ऑलमोस्ट 17800 तक पहुंच के आया है तो 18000 पहुंचने में निफ्टी को बहुत दूर नहीं है। मैं एक चीज समझना चाह रहा था आपसे बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी पे आप बहुत बुलिश हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और अच्छी बात है, लेकिन ये बैंक निफ्टी एक ऐसा घोड़ा रहा है जिसने अभी पिछले इतने समय के अंदर में जब निफ्टी के साथ में जो मैं जितना जानता हूँ, जब तक हमारा इतना एक्सपीरियंस रहा है पिछले 15-20 साल से जब से बाजार को देख रहा हूँ, तो ये एक पैरेलल लाइन की तरह चलता है, रेल की पटरी की तरह चलता है। निफ्टी जैसे चल रहा है और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी चलता है। पिछले कुछ समय के अंदर में बैंक निफ्टी उस तरीके से नहीं चला, बैंक निफ्टी अपनी अलग रफ्तार पे था और निफ्टी अपनी अलग रफ्तार पे था। क्या ये कैचअप है क्या बैंक निफ्टी, और क्या ये सस्टेन होगा? जी, ये कैचअप रैली है नंबर वन, और बैंक निफ्टी नहीं चलने का रीजन हमने 10-15 दिन पहले इस चैनल में डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ मॉनिटोरियम एंड अदर लोन इश्यू जो कोविड के कारण बैंक के प्राइस में आए थे। तो दूसरे स्टॉक तो चल रहे थे मार्केट में, ये था जो लोन डिफॉल्ट ज्यादा हो सकते हैं इसलिए बैंक को आगे बढ़ नहीं पा रहा था बैंक निफ्टी, क्योंकि जो मेन बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये सारे चल नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट इश्यू। मगर आप अगर आप देखोगे लास्ट 15 दिन का एक डेटा आया है जिसमें लोन ग्रोथ जो है अभी तक का हाईएस्ट लेवल में पहुंच चुका है। तो ये आप देखोगे एमएसएमई और जो अदर छोटे मोटे सेक्टर्स हैं वहां पर लोन ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। अगर स्टॉक वाइज चार्ट वाइज देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं और अपना ब्रेकआउट दे दिए हैं। एक्चुअली में अगर आईसीआईसीआई बैंक देखोगे तो आपने 670-680 में हमने बताया था जो इस स्टॉक को नजर रखना चाहिए, और एचडीएफसी बैंक भी देखोगे 1580-1570 चल रहा है जो अपने लाइफ टाइम हाई में है। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट आ रहा है ना, तो ये आपको बैंक निफ्टी को एकदम आपको दिखाएगा 42000 के नीचे ये नहीं रुकने वाला मार्केट अभी। ठीक है, इसमें फैक्टर्स क्या है, कारण क्या है लोकेश जी, क्योंकि अगर हम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे जो फायदा होने वाला है वो मोटा मोटी जो मैं समझता हूँ वो पब्लिक सेक्टर पीएसबी को होने वाला है, जिसमें कि शायद सबसे बड़ा फायदा है स्टेट बैंक को, तो वो, लेकिन एसबीआई का बहुत मेजर रोल है नहीं बैंक निफ्टी के अंदर में, बहुत मामूली सा उसका स्ट्रेंथ है। अगर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को कुछ फायदा नहीं होता है तो एसबीआई अकेले बैंक निफ्टी को तो नहीं चला सकता, तो वो खबर इसलिए हट जाती है या मेरे लिए कमजोर हो जाती है बैंक निफ्टी के लिहाज से। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऐसी कौन सी चीजें आप देख रहे हैं या कौन से ट्रिगर्स देख रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक में लोन ग्रोथ बहुत जबरदस्त आ रही है, एक कैचअप रैली है जो मार्केट सोच रहा था इनका लोन डिफॉल्ट होगा वो तब नहीं हुआ है उस लेवल पे, तो जो पहले से हमने बैड डेट लेके रखा है मगर वो बैड डेट हुआ नहीं है, वो पैसा वापस आने वाला है, करेक्ट? तो आप जो अब मार्केट ये प्रेडिक्ट कर रहा है जो भाई अब हमने जो प्रेडिक्शन किया था लोन डिफॉल्ट होंगे वो हुआ नहीं है, और बैंक ने ऑलरेडी वो अपने बैलेंस शीट में हिट ले लिया है,
तो वो पैसा आने वाला है। ये जो प्रेडिक्शन आ रहा है मार्केट में, इसके थ्रू बैंक निफ्टी और एक साथ में कैचअप रहेगी, और आप देखोगे जैसे एचडीएफसी आईसीआईसीआई कोटक जिसके थ्रू बैंक निफ्टी चलता है, वो अपने दूसरे बैंकों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अपने लाइफ टाइम हाई या 52 साइड में पहुंच चुके हैं, तो ये दिखा रहा है एक बड़ा अप मूव बैंक निफ्टी में हमें आते हुए दिख रहा है। ठीक है, और मैं आपसे इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे इसको हम यूं समझ सकते हैं कि पहले बाजार ने जो एस्टिमेट किया था कि बैंकिंग सेक्टर नुकसान में जाएगा क्योंकि बैंक का नुकसान पीछे से होगा, जिन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक से वो नहीं चुका पाएंगे और एनपीएस बढ़ेंगे, उस तरीके की चीजें होती हुई नहीं दिख रही है, तो वो ठीक है। रिकवरी मोड में हम बहुत जल्दी आ गए, जितनी उम्मीद नहीं थी ऐसा मान सकते हैं, कम से कम आंकड़े ऐसा बता रहे हैं। निचले लेवल पे ठीक है कि बहुत ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे लोग अगर हो सकता है कि परेशान होंगे कुछ जॉब्स को लेकर के, कुछ सैलरीज को लेकर के, वो अलग चीज है, लेकिन बिजनेस लेवल की हम बात करें जहां से सबसे बड़ा पैसा जो बैंक से लेते हैं और जो सबसे बड़ा पैसा बैंक को देते हैं, उन लेवल पे बहुत ज्यादा खराबियां नहीं होती हुई दिख रही हैं या रिकवरी मोड बहुत अच्छा है और जल्दी दिख रहा है, तो उसका फायदा आता हुआ दिखेगा। बहुत सारे इधर रिसेंट में जो खबरें आई हैं जिसमें टेलीकॉम से जुड़ी हुई खबरें हैं जहां पे एक बड़ा पैसा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी लगा हुआ है उन कंपनीज में, वोडाफोन आइडिया से लेकर के और इंडस बैंक एंड आईडीएफसी बैंक, वो उनके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। हां, तो वो वहां से फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो रिलायंस को लेकर के जो आर्बिट्रेशन का जो ऑर्डर आया है जिसमें रिलायंस इंफ्रा को मेट्रो दिल्ली मेट्रो वाला पैसा मिलेगा, एक बड़ा पैसा आएगा, और जो अनिल अंबानी ने जो अनाउंस कर दिया है कि वो उसको वापस करेंगे बैंक को, उसका भी बड़ा फायदा आ रहा है। तो ये मैं मान सकता हूँ आपकी चीजें, और आपका कन्विक्शन अच्छा है, और उसके साथ में बहुत सारी फंडामेंटल्स, बहुत सारी ऐसी वाली खबरें हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जीएसटी डेटा भी देखोगे ना, लास्ट तीन महीने में जीएसटी डेटा आप देखो तो हर बार 1,20,000 crore से ऊपर आ रहा है ऑलमोस्ट, तो ये दिखा रहा है कितनी जल्दी हमारे मैक्रो इकोनॉमी रिकवर हो रहा है। तो अभी हमें और लगता है जीएसटी में आज कम से कम मिली है, यहाँ से एक बड़ा एक अच्छा सा आने का चांसेस है न्यूज, तो मैं आपको वो कर पाऊंगा, बट हमें जो इंटरनली खबर है तो एक अच्छा बड़ा अच्छा आपको मिल सकता है। हाँ, उसमें बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जिसमें कि पेट्रोलियम और उसको लेकर के भी है, उस पर एक तो चर्चा शुरू होगी, लेकिन चर्चा के अलावा जो अच्छी चीज जो वाकई में हो सकती है या जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब वो ये भी है कि जो मिक्सिंग है एथनॉल की और उसकी बाकी ऑयल्स की जो पेट्रोल के अंदर में, उस पर जीएसटी कम हो रही है, जिसके चलते पेट्रोल सस्ता होगा और वाला, तो वो एक इकोनॉमी को एक अच्छा फायदा देगा, और प्लस बहुत सारी चीजों पे जीएसटी के जो चेंजेस हैं, जो परसेंटेज के चेंजेस हैं, या फिर जो कोविड से रिलेटेड दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स है जिसमें कि जीएसटी की छूट दी गई थी, उसको शायद एक्सटेंड करने की भी कोशिश है। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रोग्रेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं मान सकता हूं और आपके आपके साथ में और आपके इस एनालिसिस के साथ में वैसे मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी जो केवल एक समस्या है या एक शंका है वो ये है कि वो नंबर बहुत बड़े बना रहे हैं, ये कम से कम आज की तारीख में मुझे ओवर ऑप्टिमिज्म लग रहा है। तो मैंने एक महीना या चार महीने के हिसाब से ही बात करता हूँ। अगर आप डेटा देखोगे ना, अगर आप अभी देख रहे हो, हाँ ठीक है, 8,000 से हमने 18,000 के लेवल पे आ गए, तो एक बड़ा मूव है जो आप ऐसा सोच सकते हो, तो ये 5-7% 10% का करेक्शन कहीं हम डिनाई नहीं कर सकते, कभी भी आ सकता है, क्योंकि एक लेवल पे जब मार्केट जा रहा है तो करेक्शन आ सकता है। मगर डेटा ड्रिवन अगर बात करते हो, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 हम हमेशा 12,500 के लेवल में थे, आप डेटा उठा के देख लो, और वहां से अगर आप मूव देखोगे तो हम सिर्फ 8% CAGR से रिटर्न दिए हैं अभी तक 2014 से लेकर 2021 तक। निफ्टी का अगर आप पूरा डेटा देखोगे तो निफ्टी 16-17% CAGR रिटर्न देता है नॉर्मल, तो अभी जो है वो 8% हम आधे रिटर्न में आ रहे हैं। अगर आप नॉर्मल 15% के कैलकुलेशन भी करो तो निफ्टी 26,000 होना चाहिए था, जहां पर हम निफ्टी 18,000 में है, तो अभी डेटा वाइज भी हम बहुत पीछे है। ये हमें अगर शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखें तो हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा होगा मार्केट में आपको, लिक्विडिटी भी एक बहुत बड़ा है, जहां पर दुनिया भर में जो पैसा छापा गया है वो इंडिया में भी आएगा, इमर्जिंग मार्केट में भी आएगा, तो हम उसके लिए भी ग्रो कर रहे हैं। और एक और आपको मैं डेटा बता दूं,
अब कुछ दिन पहले आरबीआई गवर्नमेंट ने एक चीज बताई थी, 95% इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट या गोल्ड में है और सिर्फ 5% जो है वो फाइनेंशियल एसेट में है। इक्विटी की बात नहीं कह रहा, सारे फाइनेंशियल एसेट में, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। नंबर वन उनका मानना यह है, हर अभी $500 बिलियन हमारे इंडियन में फाइनेंशियल एसेट में पैसा लगा हुआ है और उनका मानना है आरबीआई गवर्नर का कि हर साल 1% ये पैसा फाइनेंशियल एसेट में आएगा नेक्स्ट 10 इयर्स तक। आप सोचो जो पैसा 70 साल में 5% अभी ओनली है, अब वो हर साल 1-1% आएगा, नेक्स्ट 5 साल में डबल पैसा जो ऑलरेडी मार्केट में है उतना इंडियन इन्वेस्टर डालने वाले हैं इक्विटी मार्केट में और अदर फाइनेंशियल एसेट में। तो ये लिक्विडिटी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले बात बोली थी सुनामी आने आ रहा है अभी पैसे का इंडियन रिटेलर्स से भी, तो ये मार्केट अभी बहुत दूर जाना है। मैंने अभी आपको छोटा टारगेट दिया है, मैं 5 साल का या 10 साल का टारगेट नहीं दे रहा हूँ, जो हम मार्केट में अभी बहुत ज्यादा बुलिश है। नहीं नहीं ठीक है, और लोकेश जी इसमें और एक चीज और भी होगी, इस पे डोमिनोज इफेक्ट भी होगा। तो जब एक ये वाला पैसा शिफ्ट होना शुरू होगा फाइनेंशियल मार्केट में, तो मार्केट जिस तरीके से ग्रो कर रही है अभी हम वो जो आंकड़े देख रहे हैं कल बाजार में जिस तरीके से जिन लेवल पे पहुंचा है, तो मार्केट कैप ही ओवरऑल इंडिया का उसमें फ्रांस को भी पीछे छोड़ करके और हम टॉप 6 पे आ गए हैं, तो सबसे बड़ी जो छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो वो मार्केट कैप के हिसाब से हम एक हो गए हैं बाजार के अंदर में। तो वो इस तरीके की खबरें और इस तरीके का जो डेटा है वो बाकी बाजारों से भी पैसे लाएगा, तो इंटरनेशनल मार्केट से लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे पैसे डालने में, तो ये ठीक है। थोड़ा सा मुझे एक इसके अंदर में एक जो चीज लगती है ना, जो एक चीज और मैं आपको एक डेटा और बताना चाहूंगा, एक डेटा और मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं रोक रहा हूं आपको। अगर निफ्टी का पीवी देखोगे ना, तो जनवरी फरवरी में निफ्टी का पीवी जो था प्राइस टू बुक वो था 4.8, मार्केट उस टाइम पे मार्केट था 14,500-15,000, अभी मार्केट 18,000 के पहुंच गए हैं, अपना पीवी घट के 4.2 आ गया। अगर प्राइस बढ़ता है तो पीवी बढ़ना चाहिए, मगर पीवी घटा है बिकॉज हमारे इंटरनल जो बिजनेसेस हैं, नई कंपनीज ऐड हो रही हैं हमारे मार्केट कैप उसको बढ़ा रहा है। अगर आप देखोगे तो नई कंपनी जो आईपीओ आ रहे हैं तो उसका मार्केट कैप भी इंडिया में बढ़ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है वो भी आपका पीवी को कम कर रहा है। अगर आप 2008-2007 का अगर मार्केट क्रैश का डेटा देखोगे, जब पीवी 5.86 था तब जाके मार्केट क्रैश आ रहा है, अभी हम वहां से काफी दूर है, अभी 4.2 में है, काफी दूर है, थोड़ा सा 1% ज्यादा है अगर शॉर्ट टर्म देखे तो, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम जो हम बोलते हैं ना मार्केट एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया है, अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पूरी तरह से, वैसे पॉइंट से हम काफी दूर है। नहीं ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि लगेगा हम आपके दोस्तों को जरूर बोलेंगे प्रॉफिट बुक भी कर ले। ठीक है, और लोकेश जी उसी में एक और जोड़ देता हूँ कि अगले 12 महीने के अंदर में करीब 30,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आने वाले हैं, मतलब उस इतने वैल्यूएशन के नए और लिस्टिंग्स होने वाली हैं, तो वो भी पैसा नया पैसा भी आने के जो भी है वो ठीक है कि थोड़ा तो काफी कुछ बाजार के अंदर से इधर से उधर शिफ्ट होता है, लेकिन नया पैसा आएगा। बस मेरे इसके अंदर में ओवरऑल जो फिगर्स है ना, अभी भी एक छोटा सा मेरा जो एक वो है एक पॉइंट है, अगर क्रिप्टोस की मार्केट का रेगुलेशन हो गया और ठीक से हो गया और सब कुछ ऑन ट्रैक रहा, तो ये जो गवर्नर कह रहे हैं जो परसेंटेज जो शिफ्ट होगा उसमें से काफी परसेंटेज क्रिप्टोस में भी शिफ्ट हो जाएगा, तो वो फाइनेंशियल मार्केट में शिफ्ट होगा, बाकी टूल्स तो ज्यादातर इक्विटी रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बाकी चीजों की तरफ नहीं जाने वाले, क्योंकि यंगर जनरेशन है जो कि पैसे को शिफ्ट कर रही है और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो वो इक्विटी में जाने के लिए तैयार है, लेकिन इक्विटी के साथ साथ वो क्रिप्टोस पे भी फोकस कर रहे हैं। तो इधर पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे नियम जो हम लोग पुराने समझते थे कि जब इक्विटी बढ़ता है तो उसकी हेजिंग में गोल्ड होता है, ये वो, इधर हमने दोनों चीजें साथ ही साथ बढ़ते हुए देखा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि इक्विटी बढ़ रहा है तो गोल्ड कम हो रहा है या गोल्ड कम हो रहा है तो इक्विटी बढ़ रहा है, वो दोनों चीजें पैसे तो पैसा नया आ रहा है वो सब जगह जा रहा है, तो वो वाली भी चीजें हो रही है, तो उसमें एक वो मार्केट भी नया खड़ा हो रहा है क्रिप्टोस का भी, और उस पर भी नजर रखनी होगी। ठीक है शिवानी, कुछ सवाल है क्या? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपके इसके साथ। नंबर वन, हमें नवंबर के 15 तारीख से दिसंबर 30 तक थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है। नंबर टू, जो आप 30,000 करोड़ की बात कर रहे हो ना, उसमें 1,00,000 करोड़ ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि LIC का आईपीओ का सेबी को चला गया है, तो 1,00,000 करोड़ के अप्रोक्स उसका आईपीओ आने वाला है, उस टाइम पे करेक्शन मार्केट में दिखने को मिलेगा, बिकॉज जब 1,00,000 करोड़ को इन्वेस्टमेंट होना है तो कोई ना कोई स्टॉक बिकेगा तभी वो पैसा आएगा।
तो उस टाइम पे एक मार्केट करेक्शन आ सकता है, जब एलआईसी का आईपीओ का डेट आ जाए उस टाइम पे मैं चाहूंगा जो हमारे दर्शक जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें।